दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे बीपीएससी बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति का मॉक टेस्ट पेपर, इसमें हम मैथ का डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप यहां से पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक, जिसमें 20 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपका जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें मिनिमम आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, सिलेबस को पैटर्न को देखते हुए हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। और ये पहला क्वेश्चन कहता है कि ये रेशियो का क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्या है कि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपका 3:5 कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4:7 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए करना क्या है, पर सबसे पहले आमने सामने गुना कीजिए, कितना हो गया, 4 दिया कितना हो गया, 12 हो गया। फिर क्रॉस गुना करेंगे कितना हो गया, 5 का कितना हो जाएगा आपको, 20 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सामने गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 7×5 हो जाएगा, ठीक है। 12, 20, 35 ऑप्शन नंबर कहाँ पे डी है। क्या करना है वो फिर से ध्यान से देखिएगा, पहले आमने सामने गुना कर देंगे, फिर क्रॉस गुना कर देंगे, फिर आमने सामने गुना कर देंगे, यही हमारा जो रेशियो आएगा, यही आपको पूछा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, कितना होगा, 12:20 कितना हो जाएगा आपको, 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सिक्का पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन है कि 110 रुपए एक बॉक्स में होते हैं, जिसमें 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1:2 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या है, 1 रुपया वाला सिक्का है, फिर कितना आपको 50 पैसे वाला है, फिर कितना आपको 25 पैसे वाला है, सभी को पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 रुपया तो कितना पैसा हो जाएगा, ये 100 पैसा हो जाएगा, 50 पैसा खुद है यहाँ पे और 25 पैसा खुद है यहाँ पे ही है। अब देखिए इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1:2 क्या दिया हुआ है, देखिए 1:2:3 दिया हुआ, संख्या का अनुपात, रेशियो का जैसे ही हटाएंगे किसी वेरिएबल से गुना कर देंगे, सभी में वेरिएबल से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कितना 3x हो जाएगा। अब देखिए ये सिक्का की संख्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे हमारे पास क्या आएगा, टोटल रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 100 और गुना x करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 100x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 50 पैसा है, कितना है ये आपको, 2x है, कितना हो गया, 5×5 = 10, मतलब 100x हो जाएगा। प्लस 25 पैसा वाला कितना है आपको, 3x, 25 से कितना हो जाएगा, 75x, और सभी को जोड़ के मेरे पास कितना रुपया है, 110 रुपया है, यहाँ पे कितना कर देंगे, 110 रुपया गुना 100 कर देंगे, ये पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 100, 200, 75, कितना हो गया आपको, 275x बराबर कितना हो गया हमारा, 110 गुना कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। अब देखिए 11×2 = 22, ये कर जाएगा 11 से 11×2 = 22, 11×5 = 55 हो गया, 25×4 कितना हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना बचा है यहाँ पे, 40 बचा, क्योंकि हम यहाँ 11 से काटे थे, 0 बचा हुआ था, तो x का मान कितना हो गया, 40 हो गया। तो पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए कितना होगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है यहाँ पे आपका, ठीक है, 2x है, तो x का मान कितना है आपको, 40 हो जाएगा, 2×40 कर देंगे कितना जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि अगर a अनुपात b बराबर 2:3 तो इसका मान कितना होगा। देखिए क्या है कि 3a + कितना हो गया आपको, 7b हो गया, ठीक है। अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ, 6a - कितना हो गया आपको, 3b हो गया। तो यहाँ देखिए a का मान 2, यहाँ पे देखिए a अनुपात b का मतलब कितना हो गया, a का मान 2 और b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इसी को इसमें वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 3×2 हो गया, प्लस 7 b का मान कितना, 3 है, जो कि 7×3 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 6×a, a का मान कितना होगा, 2 हो गया, -3 कितना हो गया आपको, 3 हो गया, ये हो गया 3×6, 27, 6 कितना हो गया, 27 हो गया। अनुपात 6×12, 3×3 = 9, ये हो गया 3×9 कितना हो गया आपको, 27 हो गया। ये फाइनली 9:1 कितना गया, 1 आ गया, 9:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लगातार 3 सम संख्याओं का योगफल 72 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा, होना चाहिए कि योगफल बटे नंबर ऑफ राशि बराबर होता है आपको मेरिड संख्या, क्या होता है आपको, मेरिड संख्या होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये लगातार सम संख्याओं, विषम संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं, सभी में ये रूल फॉलो होगा। तो योगफल कितना आपको 72 है, योगफल 72 है,
बट्टे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये काटेंगे कितना जगह हमारा, 24 हो जाएगा, कितना जगह हमारा 24 हो जाएगा। अब जब ये 24 हुआ तो आगे कितना होगा, 26 होगा, क्योंकि सम संख्या है, पीछे कितना जाएगा 22 हो जाएगा, ये हो गया 22, ये हो गया 24, ये हो गया 26। पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीचे कहता है हमारा 1+2+3+50 तक दौड़ना है, तो इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि प्रथम प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग होता है वो होता है आपको एन इंटू एन प्लस वन बाय कितना होता है आपको, 2 होता है। एन जो होता है क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ क्या होता है आपको, टर्म होता है। ये होता है आपको पदों की संख्या, कितना होता है आपको, ये पदों की संख्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, 1+2+3+ कितना हो गया 4+ कहाँ तक जाना आपको, 50 तक जाना, ठीक है। यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा आपको, 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 टर्म है। तो हमारा सम कितना हो जाएगा आपको, ये सम कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपको, 51 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको काट दीजिए, ये 25 बार में कटेगा, 25×51 कीजिए, ये हो गया 25×51, ये कितना हो गया, 25×25 हासिल तो हो गया, 25×5 125, 2 127, 1275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है यहाँ पे कि 8^20×15^24×17^15 का इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए इकाई अंक देखिए किसका किसका निकालना, 8^20 हो गया गुने 15^ कितना हो गया आपको, 24 हो गया, फिर कितना हो गया, 17^ कितना हो गया आपको, 15 हो गया। यदि 0, 1, 5, 6 इस पे कोई भी पावर है, इसके इकाई अंक को कोई भी पावर रहेगा उसका इकाई अंक वही का वही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1, 5 है, 5 पे कोई भी पावर रहेगा इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 का 5 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। इसके अलावा जब कोई भी संख्या उसमें 4 से पावर में 4 से भागा देंगे, अंतिम 2 डिजिट में 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यही 3 इस पे रखेंगे, 7 पावर कितना होगा आपको, 3 हो गया। और फिर इसमें 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा। यदि रिमाइंडर 0 बचता तो पावर 4 रखेंगे, 8 पावर कितना होगा आपको, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 8 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो गया, देखिए 8×8×8×8 करेंगे सिर्फ इकाइएंगे, 8 8 64 4 हो गया, यहाँ पे 4 8 32 2 हो गया, 2 8 कितना हो गया आपको, 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 343, मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 6 5 30 कितना आएगा इकाई अंक, इकाई अंक 0, 0 किसी से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गी की संख्या कितना होगा। अब देखिए 4 पैर का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 पैर वाले की संख्या, तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, माइनस क्या करेंगे, सिरों की संख्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 पैर वाला निकाल लेते हैं पहले, पैर टोटल कितना आपको 140 है, टोटल पैर कितना हो गया 140/2 और माइनस सिरों की संख्या कितना आपको 48 है, 140/2 कितना हो गया, 70 में से 48 घटाइए ये कितना हो जाएगा आपको, 22 हो जाएगा। तो 4 पैर वाला कितना हो गया, 22 हो गया। तो 4 पैर वाला ये देखिए टोटल जानवर कितना है यहाँ पे, 48 है, टोटल जानवर कितना हो गया 48, जितना मोल दिएगा उतना जानवर होगा। तो 4 पैर वाला कितना हो गया आपको, 22 हो गया, ये 4 पैर वाला निकल गया 22, अब बचा बचेगा कितना, 48 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा आपको, 2 पैर वाला, 2 पैर वाला कौन, मुर्गी है, मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी जगह 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या कीजिए, 7 से दोनों में भागा दे दीजिए, 7 से दोनों में क्या करेंगे, भागा देंगे।
सात से दोनों में क्या करेंगे, भागा देंगे। सात से दोनों में जैसे ही भागा दीजिएगा, ये कितना हो गया 64 98 हो गया, ठीक है, दो बचा। इसमें भागा देंगे सात दोनों कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ बचा आपको 6 38 कितना हो गया 56 हो गया, ये बचा आपको 4, ठीक है। तो इसका भागफल में से इसका भागफल घटा दीजिए आप, 28 में से 14 घटा देंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो एक पहले घटाने के बाद फिर इस रूट को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 12 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7 11 14 प्राप्त हो। एलसीएम इससे प्रोपोर्शन है, ये हो गया 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 15, ठीक है। यहाँ से 7 बच रहा है, इसके साथ 11 बच रहा है, इसके साथ कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, एक भी एक आ रहा है। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले की 8 12 15 का एलसीएम, 8 12 15 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो संख्या बनेगा यहाँ पे एलसीएम तो 120 है, ये तो कर जाएगा, लेकिन आपको शेष 7 11 14 चाहिए। क्या किए, क्या करके लाए, अंतर करके लाए, तो आपको प्रत्येक दशम कितना शेष बच रहा है, यहाँ पे एक बज रहा है, एक इसमें घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, ये भी एलसीएम से वो क्वेश्चन है कि एबीसी एक वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट समय लेता है, कितने समय बाद तीनों पुनः उसी स्थान पर मिलेगा। तो क्या करना है, जब ये सब वृत्ताकार पथ, इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन होता है, एक घंटे वाला प्रश्न दोस्तों, एक घंटे वाला प्रश्न होगा, घंटे वाला, दूसरा आपको ट्रैफिक लाइट हो गया, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको यह है वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय निकालना हो तो एलसीएम से बनेगा, सारा का एलसीएम निकालना है आपको। तो क्या आपको कितना हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया आपको, 15 हो गया। तो 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसको, 3 से दे दीजिए, ये हो गया 10, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 हो गया, 2 से दे दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 4 हो गए, ये हो गया आपको 5 हो गया, ठीक है। 2 से देना था 2, 5 से दे दीजिए, 5 का 5 2 हो गया 1, कितना हो गया 5 10 कितना हो गया 60 हो गया। 60 मिनट दिया हुआ मिनट हो जाएगा, या तो एक घंटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 624 रुपया को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटता है तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। तो 1/2 अनुपात है क्या है, 1/3 है, फिर 1/4 है। इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के लिए क्या किया जाता है, यदि ये यहाँ का रेशियो निकालना तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 से कितना हो गया आपको 12 हो गया। यहाँ का रेशियो निकालना हो तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, 4 और 8 2 8 कितना हो गया, 4 2 8 हो गया। और इसका रेशियो निकालना होगा तो ये 3 2 कितना हो गया आपको 6 हो गया। ये तीनों मित्र का निकल गया, पहला मित्र का रेशियो हो गया, पहला मित्र का, ये आपका दूसरा मित्र का, और ये क्या हो गया तीसरा मित्र का रेशियो निकल गया। ये कटेगा कटेगा कुछ से, 2 से कटेगा, ये हो गया 6 2 12 4 2 8 3 2 6 हमारा रेशियो कितना आ गया 6 4 3 हो गया। तो पूछा कि तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा, तीसरा मित्र है ना, तीसरा मित्र का जो हिस्सा होगा, तीसरा का रेशियो लेंगे, तीसरा का रेशियो कितना आपको 3 है, गुना टोटल राशि कितना आपको 624 है, बटे अनुपात का ये हो गया 6 4 10 3 कितना हो गया आपको 13 हो गया। ये कटेगा, इसको काटते हैं, 13 4 52 हो गया, ठीक है, 13 8 104 हो गया, ठीक है। ये गुना करेंगे, 8 3 24 हो गया, 4 3 12 तो कितना हो गया 14 हो गया, 144 पे हमारा आंसर हो जाएगा, 144 पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही कहता है, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना है, आपको जो चेंज करेगा उससे हम नहीं बनाने, बनाना क्या बनाना आपको, दूध से बनाना, दोनों साइड दो इक्वेशन को दूध के बराबर इक्वल करेंगे, दूध का दूध करेंगे, ठीक है। क्योंकि पानी मिला रहा है, दूध तो हमेशा उतना ही होगा जितना पानी मिलाने से पहले था, पानी मिलाने के बाद था। तो 40 लीटर मिश्रण है टोटल, ठीक है, 40 लीटर मिश्रण है, 10% पानी है, ये पहला वाला पार्ट है। यदि 10% पानी होगा, 10% पानी होगा तो दूध कितना होगा दोस्तों, 90% होगा, कितना होगा 90%, 40 का कितना हो जाएगा आपको 90% हो गया बराबर।
बाद में भी आपको क्या बोला कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया है, तो मान के चले कि x लीटर पानी मिलाया, तो बाद में जब पानी मिलाया तो दूध तो उतना ही होगा जितना होना चाहिए बाद में, मतलब शुरू में जो था, लेकिन बाद में पानी कितना हो गया 20% हो गया, पानी कितना हो गया 20% हो गया, तो दूध कितना यहाँ होगा, दूध कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 80% दूध हो जाएगा, क्योंकि चेंज दूध नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मिश्रण के कारण ये 80% हो गया, क्योंकि मिश्रण बढ़ेगा 40+X हो गया, तो दूध तो हमारा पहले 90% था, अब कितना हो गया टोटल मिश्रण में 80% हो गया, ये 80% किसके कारण हो गया, ये एक्स कारण हो गया, लेकिन प्योर दूध की मात्रा जो जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होगा, ये इसको 0-0 काट दी, ये 0-0 भी कर जाएगा आपका, ये कितना गया 9×36=360 हो गया, ऐसे काट दीजिए 8×5=40 से कर दीजिए हो गया, 9×5=40 कितना हो गया 45 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40+X हो गया, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको 45-40 कर दीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया 5 लीटर आपको पानी मिलाया है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला आता है वो R1+R2+R1R2/100, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि लगातार प्रतिशत हो, वृद्धि हो लगातार, कमी हो लगातार, प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाए तो इसी पे पुट करेंगे। देखिए पहला बार क्या बोला कि 25% की कमी, तो 25% कमी मतलब होंगे -25, फिर बोला 20% की वृद्धि, फिर क्या हो गया 25+20 कर दीजिए, अब दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा -25 × कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये हो गया 20×5=100, 5 कितना हो गया आपको 25 हो गया, ये कितना हो गया -5 कितना हो गया -10, माइनस क्या शो कर आपको कमी शो कर रहा, ये हो गया 10% की क्या हो जाएगा आपको कमी हो जाएगा, 10% कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल मत कितने पड़े, कुल कितने मत पड़े। अब देखिए कि चुनाव हार जीत का फैसला तो ही कैंडिडेट के बीच यहाँ पे है, एक को 30% आया, एक को जब 30% आया दूसरा को कितना आया होगा 70% आया होगा, ठीक है, और 16,000 से मत क्या हो गया हार गया, ये 40% से चुनाव हार गया होगा और ये 40% से चुनाव जीत गया होगा, 40% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है और वोटिंग में मेरा कितना हमको 16,000 है, 16,000 है, पूछा कुल मत कितना होगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 16,000 बटे कितना हो गया आपको 40 हो गया, और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 100% बराबर कितना हो जाएगा 16,000 बटे कितना हो गया आपको 40 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, 4×16 हो गया आपको 4×4 मतलब 40,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल 40 संतरों के विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 5 संतरों का क्रय मूल को सूचित करते हैं सीपी से, ठीक है, और 40 संतरों का विक्रय मूल मतलब क्या हो गया आपको एसपी हो गया। अब यहाँ देखिए तो सीपी बराबर हमारा कितना हो गया आपको 40 हो गया और एसपी बराबर कितना हो गया आपको 50 हो गया। अब यह सीपी का मतलब होता है आपको खरीदा, कितना में खरीदा, ठीक है, और एसपी मतलब क्या आपको बेचा, कितना में बेचा। देखिए 40 में खरीदे हैं 50 में बेचे हैं, कितना का लाभ या हानि हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कितने का लाभ हो गया 10 का लाभ हो गया, तो प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ चाहिए तो लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुना 100 बटे कितना था आपको क्रय मूल कितना आपको 40 हो गया, ठीक है, कितना हो गया हमारा 40 हो गया, ये 0-0 कट गया दोस्तों, ये 25 बार में कट जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आला पूछा कहता है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकता है, इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनेगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है M1D1H1 बट्टे क्या होता है आपको W1 बराबर M2D2S2 बट्टे क्या होता है आपको W2 होता है, और W यहाँ पे क्या है हमारा वर्क है, तो वर्क में क्या क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे परिमाप आएगा,
लंबाई आएगा, ठीक है, एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा, और संख्या के अलावा और भी कुछ आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो एक साइड का डाटा देगा, एक साइड का आपको कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार बुनकर क्या हो गया, ये हो गया चार बुनकर, चार चटाई, चटाई कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तीन के अलावा जो भी बचेगा डाटा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, चटाई तो इसमें आता नहीं है, तो डी दिन हो गया, एच आवर हो गया, एम से मैन हो गया, ठीक है। चार बुनकर चार चटाई, चार नीचे चल दिया, चार दिन में, चार दिन में बुन सकता है, तो बराबर आठ बुनकर, मतलब आठ बुनकर आठ दिन में कितना चटाई बनेगा, कितना चटाई मतलब चटाई कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये चार चार कट गया, ये कितना हो गया, चार दूनी आठ हो गया, तो हाथ इधर जाएगा, वाट बराबर कितना हो गया, आठ दूनी कितना हो गया आपको, सोलह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, जब ऐसा सवाल हो गुणात्मक रिलेशन वाला, तो आप गुणात्मक रिलेशन को आप इक्वल लिख दीजिए, गुणात्मक रिलेशन यहाँ पे लिख दीजिए, गुणात्मक रिलेशन यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, गुणात्मक रिलेशन यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, ये दुगुनी हो गया, कितना वर्ष में क्या बोला वो, आठ गुनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी गुणात्मक रिलेशन, यहाँ भी गुणात्मक रिलेशन, दोनों हम लिख दिए, आप दो पे कितना पावर रखेंगे, आठ हो जाएगा, कितना रखना होगा, तीन रखना होगा, कितना रखना होगा, तीन पावर रखेंगे तब आठ होगा, ठीक है। तो यही पावर को टाइम से गुना कर दीजिए, जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, पंद्रह दिया हुआ है, यहाँ पंद्रह से गुना कर दीजिए, पंद्रह का कितना हो गया आपको, पैंतालीस वर्ष हो जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों ऐसे ही बनेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एमबीबीआई माना जाता है, और यहाँ में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप से क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपको बराबर होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपको बराबर होता है। तो आप देखिए क्या होता है कि स्क्वायर, स्क्वायर का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है कि बाउंड्री का योग, तो चार चार बाउंड्री है इसका, चारों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो कितना होता है, आपको एरिया होता है आपको भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, और इसका जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है हमारा वर्ग का, वो कितना होता है आपको, रूट टू ए होता है। तो हम पीछे क्या जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण कितना दिया हुआ यहाँ पे, 15√2 दिया हुआ, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू ए होता है, बराबर कितना हो गया, 15√2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि रूट टू कट गया, तो ए का मान कितना हो गया, 15 हो गया। अब हमको यहाँ से एरिया आराम से निकल जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा आपको, 15 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समीकरण को हल कीजिए, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया, एक 3+4/2 × 3, और नीचे कितना दिया हुआ आपको, 4+3 × 2 भागा कितना दे दिया आपको, 3 दे दिया। तो ये बोर्ड मास पे ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो भागा होगा, भागा होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर कितना हो गया, 3 × 6 कितना हो गया, 9 हो गया, ऊपर में कितना आ गया आपको, 9 आ गया। अब नीचे देखिए, तो नीचे सबसे पहले भागा होगा, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 4+3 × 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 कट जाएगा, ये बचेगा 4 × 2 कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9/6 हो गया, काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, ये बेकरीम का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 0.423 पर रेक्रीम है, तो रेक्रीम इसको हटाना, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दो पार्ट में लिखा जाता है, एक ऊपर एक नीचे, एक अंश एक हर। सबसे पहले अंश में क्या लिखेंगे, टोटल संख्या लिख लीजिए 423, माइनस कर लीजिए बिना आवर्त वाला संख्या कितना, 4 है, और दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद कितना डिजिट का आवर्त है, 2 डिजिट का आवर्त, उतना 9 लिख दीजिए, जितना पे नहीं होगा उतना 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 419/ कितना हो गया, 990 हो जाएगा, 419/990, यदि कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा, 419/990 यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।